मिस्टर एमएसएस यूट्यूबर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जा रहे हैं लपिता दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट, और उसके लिए ना यहाँ पे तैयारी चल रही है। मतलब हम लोग पैकिंग कर रहे थे एक दिन पहले, यानी कि रात में, यहाँ देख सकते हैं 12:15 बज रहे हैं और हम यहाँ पैकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारा पैकिंग चल रहा है। ये देखिए, एक दिन की ट्रिप का, दो दिन की ट्रिप का इतना सारा यहाँ पर जो है पैकिंग है। तो ये पूरा मेरा है, ये माही जी का है, और ये मिस्टर प्रिंस शाहमीर का है। तो लगभग जो है पैकिंग पूरा हो चुका है। अब इसको हम डालेंगे बॉक्स में और कल जो है हम लोग निकल चलेंगे लपिता रिसॉर्ट, और जहाँ पर हम मस्ती करने वाले हैं फुल। ये 5-स्टार रिसॉर्ट है, तो देखते हैं आगे। तो देखिए, रात के 12 बजे माही क्या कर रही है पैकिंग के बाद। तो अब हम निकल पड़े हैं लपिता के लिए। तो यहाँ से लगभग हमें 45 मिनट्स लगने वाले थे, तो उसी के लिए हम यहाँ निकल पड़े हैं। बाकी अब हस्बैंड बताएंगे कि तो हम लोग कैब में आ गए हैं और अब जस्ट होटल पहुँचने वाले हैं। तो होटल चल के दिखाते हैं कैसा है लपिता पार्क एंड रिसॉर्ट। गाइस, हम लोग अब पहुंच गए हैं होटल, ये देखिए। और तो अब चेक इन करने वाले हैं, तो चेक इन करते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा रहेगा हमारा आगे का सफ़र। यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे तो हमारा स्वागत कुछ इस तरीके से होता है। जब जो भी इतने भी किड्स होते हैं ना, उन्हें इस तरीके की फूलों की हार पहनाई जाती है और हमें यहाँ वेलकम ड्रिंक्स दी जाती है। जितना भी आपको पीना है आप उतना पी सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा डांस चल रहा है स्वागत वाली। आप जितनी चाहे उतनी ड्रिंक ले सकते हैं। गर्मी काफ़ी पड़ती है दुबई में, इसलिए हम यहाँ पे अभी अपना ड्रिंक ले रहे हैं। और यहाँ इतना अच्छा माहौल होता है ना, अगर आपको छुट्टी मिले, आप यहाँ दुबई में हैं, तो आप ये रिजॉर्ट जरूर से जाएं। यहाँ पे आप लोगों को कपल, फ्रेंड्स एंड फैमिली, किसी के साथ भी अगर आप आते हैं तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। स्टेकेशन के लिए बिल्कुल बेस्ट जगह है। अगर आप दुबई आ रहे हैं घूमने के लिए भी, तो आप यहाँ 2 दिन रुककर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को सारा कुछ दिखाने वाले हैं, लपिता रिजॉर्ट एंड थीम पार्क सारा कुछ आप लोगों को हम दिखाएंगे अपने चैनल के थ्रू। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के साथ और भी वीडियोज़ शेयर कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों को अब चाबी मिल गई थी और अब हम जा रहे हैं अपने रूम। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम, हमें कीज मिल गई थी और अब जाएंगे आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे। चलिए होटल के रूम को दिखा देते हैं कि किस तरीके की हमें होटल मिली है और रूम कैसा है, वो सारा कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आधे घंटे के बाद कीज़ मिल गई थी। तो यहाँ पे आप जब भी आए, तो चेक इन का टाइम जो होता है वो 3 बजे का होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ आना है। तो हमें यहाँ पे डिजिटल कीज़ मिलते हैं, आजकल यही कीज़ चलती है। तो चलिए अब हम आ गए हैं अंदर और हम सारे अपने शूज ओपन, सॉरी, रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ से हम आप लोगों को दिखाएंगे अपने रूम का टूर। और अगर आपको डिटेल वाला टूर चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस लपिता आने का, तो इस वीडियो को आप देख कर काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं। मस्ती टाइम अब शुरू होने वाला था। हम आके यहाँ पे काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हमारे पैसे डूब गए। बिल्कुल आपके पैसे वसूल होने वाले हैं अगर आप यहाँ पे स्टेकेशन लेते हैं।
बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब डेजर्ट में रह के दुबई डेजर्ट है, अब डेजर्ट में रह के आपको ग्रीनरीज मिल जाती है तो और क्या बात होगी। तो हमें भी वैसा ही फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं और आ गए हैं, थाईलैंड आ गए हैं। थाईलैंड में जिस तरीके की ग्रीनरीज होती है उसी तरीके से लग रही थी। अब यहाँ पर हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर हम पास्ता खा रहे हैं। शामिर अपना डोनट्स एंड बनानास को इंजॉय कर रहा है, तो इसी तरीके से हम अपना दोपहर को इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग लंच कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं पूल और अब देखते हैं लपिता पार्क एंड शॉर्ट्स का पूल कैसा है। तो आगे देखिए, और यहाँ पे शामिर क्या कर रहा है? शामिर देख ले स्विमिंग पूल किधर। ओह शामिर, शामिर से हाय, हम आ चुके हैं पूल पे। और पूल का जो यहाँ पे आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसा करें कि जब भी आप आएँ तो घर, मतलब सॉरी, आप रूम पे ही अपना चेंज कर ले और उसके बाद आप यहाँ पे घंटों आप बिता सकते हैं स्विमिंग पूल पे। और यहाँ पे लेजी पूल भी है जहाँ पे आप बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और अब हम करेंगे अपना एंजॉय और आप भी एंजॉय करें। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, हमारे एफर्ट को आप लोग ज़रूर से समझिए और लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, हम और भी कुछ दिखाने वाले। यहाँ देख सकते हैं ये है लेजी पूल जो कि आजकल रिजॉर्ट्स में रहते ही रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इंजॉय करने के लिए काफ़ी कुछ है, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ज़्यादातर फैमिलीज़ वाले दिख रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप फैमिली लेकर आते हैं तो और भी मज़ा आने वाला है। अगर आपकी बड़ी लिए तो और भी मज़ा आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं शामिर अपना एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो हम लोग अभी आए हुए हैं लपिता के लेजी पूल में। रिजॉर्ट को बुक करने की जितनी भी डिटेल्स हैं या फिर प्राइसेस हैं वो सारी कुछ हम यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगी और आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब शाम वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो चलते हैं। देर पूल पे इंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं रिवरलैंड, और रिवरलैंड जाने के लिए हमें एक शटल की ज़रूरत होगी। शटल या लपिता वाले ही कर देंगे फ्री में, आपको उसकी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पूरा का पूरा एक शहर बना दिया गया है, सारे थीम वाले की गई है, मतलब सारे कार्डबोर्ड या फिर इस तरीके की चीज़ें बनी हुई है। जैसा कि हम हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी गए थे उसी तरीके का हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। बहुत ही अच्छा है फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोज़ लेने के लिए या फिर रील्स बनाने के लिए, यहाँ पर काफ़ी कुछ है, बहुत ही मज़ा आता है। मतलब फुल टू आपको एंजॉय करने वाले हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो। स्टेकेशन के लिए बेस्ट जगह है लपिता रिजॉर्ट। हम इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, अपना जैसा है कि हमने अपने एंजॉय किया या फिर खुद फील किया, एक्सपीरियंस किया, वही हम आप लोगों के साथ शेयर करें हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए अब हम यहाँ रिवरलैंड पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ अच्छा सा कुछ यहाँ पर शो चल रहा था, भीड़ काफ़ी अच्छी होती है, मज़ा आता है, क्राउड काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ आना बिल्कुल, मतलब आपके पैसे ज़ाया नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल वसूलने वाले हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब रिवर लैंड के अंदर और वहाँ पे काफ़ी कुछ दिखने वाला है। चलिए आप देखें इस वीडियो में। तो यहाँ पे सारे जो प्ले एरिया को दिखाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे है एक जिम। आप अगर जिम के मतलब आप फॉन्ड ऑफ हैं, अगर आप जिम करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाली जिम मिल जाती है, बहुत ही बड़ा सा जिम है, आप सुबह शाम यहाँ कभी भी आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर स्पा भी आप लोगों को मिल जाएगी, आप स्पा भी करा सकते हैं। तो हमें वो उन सब कराने की टाइम नहीं था, मतलब एक्चुअली टाइम नहीं था हमारे पास, वरना हम ज़रूर से करवाते। और अब हम यहाँ पे आने के बाद रिवरलैंड से अब आप लोगों को दिखा देते हैं कि डिनर में यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा था। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं।
जी ने मैं आप लोगों को इतने तरीके की चीजें मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब आपकी सोच से भी ज्यादा यहाँ पे खाने की चीजें हैं। इतनी तरह तरह की हैं कि आप लोगों को मतलब आप सोचते रह जाएंगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि यहाँ पे वेज से लेके नॉन वेज तक एवरी मतलब आप मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं ना वो सारे यहाँ पे आते हैं, तो उन्हीं लोगों को देखते हुए हर कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ विदेशी फूड मिलता है, इंडियन फूड्स भी यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे डेजर्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। चलिए आप वहाँ से डिनर करने के बाद यहाँ देख सकते हैं 1 बजे यहाँ क्या हो रहा है, इन लोगों की मस्ती चल रही थी। और अब हम वहाँ पे 1 बजे के बाद हम 1:30 बजे तक सो गए थे, और उसके बाद हम जब यहाँ मॉर्निंग में उठे तो मॉर्निंग में हम यहाँ पे कुछ जॉगिंग करने के लिए गए थे, और उसके बाद यहाँ पूल ओपन हो जाता है 8 बजे, और उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने फिर से पूल पर इंजॉय किया और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। चलिए यहाँ से देखें कि ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या खाएं। ज़्यादा यहाँ पे फूड्स होंगे तो उसी तरीके से यहाँ ब्रेकफास्ट में भी उतनी ही चीज़ें थी कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें थी। तो हम यहाँ पे खा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे चेकआउट करने के लिए, क्योंकि अब चेकआउट करने का टाइम यहाँ पे लेट होता है 12 बजे, क्योंकि चेक इन टाइम भी 3 बजे का है, इसलिए चेकआउट टाइम इन्होंने 12 का रखा है। अब वहाँ से हम जा रहे हैं थीम पार्क, और थीम पार्क हमें चूज़ करने को कहा गया था, तो हम मोशन गेट को चूज़ किए थे, और इसका जो ब्लॉग है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो वरना काफ़ी लंबी हो जाती। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में मोशन गेट का सारा टूर आप लोगों को करवाते हुए, मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।